بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज का जो हमारा टॉपिक है ये परिंदों को लकवे के ऊपर है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट से बहुत सारे दोस्त रब्ता कर रहे थे कि डॉक्टर साहब ये इशू जो है ना बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, तो इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई जाए। इस मर्ज़ के अंदर परिंदों की जो गर्दन होती है ये मुड़ के उसकी टांगों के अंदर चली जाती है या फिर मुड़ के ऊपर की तरफ चली जाती है। वो ना तो अच्छे तरीके से चल फिर सकते हैं और ना ही दाना उठा सकते हैं, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोरतर होते जाते हैं ताकि वो एक्सपायर हो जाते हैं। और इसको इसका ट्रीट भी बहुत कम देखने में आया। तो इंशाल्लाह ताला आज जो मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करूँगा जो उसका ट्रीट आपको बताऊँगा, इंशाल्लाह ताला वो 100% जो है वो आपको बेनिफिट देगा। तो अगर आपके दोस्तों के परिंदों के साथ ये इशू आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे एक मनक्का ले लेना है उसके अंदर से बीज निकाल लेने हैं। एक मनक्का होता है, एक सौगी होती है जिसे मेवा बोलते हैं, लेकिन मेवा नहीं लेना आपने, ठीक है। आपने मनक्का लेना है, वो थोड़ा सा सौगी से मोटा होता है। उसके अंदर से आपने जहाँ बीज निकाल देने हैं, बीज निकाल के उसके अंदर आपने एक लौंग रखना है, और लौंग वो रखना है जिसके ऊपर फूल मौजूद हो, ठीक हो गया। वो उसके अंदर रख के उसको अच्छी तरह बंद करके आपने उसको डेली का एक देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक मनक्का ले लेना है, उसके अंदर से बीज निकाल देने हैं, और बीज निकाल के उसके अंदर आपने उस मनक्के के अंदर आपने एक लौंग रखना है जिसके ऊपर फूल मौजूद हो। ओके हो गया, उसको अच्छी तरह बंद करके आपने उसको खिला देना है। ये आपने डेली का अमल करना है। और इसके साथ आपने जनाब एक इंजेक्शन लेना है न्यूरोबियन का, एक मेथी कुबाल का और एक डेकाड्रान का। तीनों को आपने मिक्स कर लेना है, एक सीसी डेली का लगाना है आपने। तीनों को मिक्स करके आपने रख लेना है एक सीसी डेली का। जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा फिर आपने इसी तरह तीनों इंजेक्शन भर लेने हैं, चाहे 10 सिरिंज के अंदर भर लें, तो उसको अच्छी तरह मिक्स करके। तो जब ये ख़त्म हो जाए, ये 5 सीसी बनेंगे, ये 5 दिन आपको ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। जब 5 दिन बाद ये ख़त्म हो जाए दोबारा फिर आपने तीनों इंजेक्शन इसी तरह भर लेने हैं एक सीरिंज के अंदर अच्छी तरह मिक्स करके। फिर आपने क्या करना है, सारे मटका कंटिन्यू रखना है, डेली का एक देना है आपने। फिर क्या करना है, जब दोबारा इंजेक्शन भरेंगे तो फिर आपने ये पहले आपने डेली का देना है, एक सीसी लगाना है उसको। फिर आपने क्या करना है कि एक सीसी लगाना है, एक दिन का गैप करना है, फिर एक सीसी लगाना है, फिर 2 दिन का गैप करना है, फिर एक सीसी लगाना है, फिर 3 दिन का गैप करना है, ठीक हो गया। इस तरह जब तक ये इंजेक्शन ख़त्म होंगे इंशाल्लाह के फजल से आपका परिंदा बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नुस्खा आपके साथ नहीं शेयर कर रहा, 2 से 3 दिन के अंदर आपको वाज़ह रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो आपका परिंदा बिल्कुल ओके हो जाएगा। पहले नंबर पे तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप मज़ीद और इसको इंजेक्शन लगा सकते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह ताला जब तक ये 2 से 3 इंजेक्शन ख़त्म होंगे तो तब तक आपका परिंदा बिल्कुल ओके हो जाएगा। इस्तेमाल करवाएँ और दोनों में याद रखा करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि ऐसे दो जिनको इसकी ज़रूरत हो तक वीडियो पहुँचे और वो इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़।